बहुत ही रोजरात। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, वेलकम टू हंसना मनाए विद ताबिश हाशमी। जैसा कि आपको पता है, मैं ब्रांड एंडोर्समेंट से बिलीव नहीं करता, इसलिए मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि दराज प्रेजेंट्स हंसना मनाए। एनीवे, इस शो के साथ विद ताबिश हाशमी लिखना ऐसा ही, हंसना मनाए विद ताबिश हाशमी, तो ऐसा ही जैसे लिखा होगा ना दुकानों पे, दीवारों पे, कचरा फेंकना मना है मगर कचरा वहीं फेंका जाता है। अब हंसना मना लिख, मैं होस्ट कर रहा हूँ यार, कैसे आप लोग नहीं हंस सकते? लेकिन यार कोशिश ये करनी है हंसे, या तो दांत साफ कर। मैं आगाज करता हूँ आज की सोच से। तो आज की सोच ये है कि व्हाट यू ऑर्डर एंड व्हाट यू गेट, यानी कि कोई चीज़ हमने ऑर्डर की जाती है, हम ऑर्डर करते हैं ये देख करके भाई क्या है, और बड़ी मजे की लग रही, ऑर्डर किया आया कुछ और, भाई देखा आपने यहाँ शाहरुख खान, ऑर्डर किया आया साहिल लोधी। ऑनलाइन शॉपिंग में आपने कुछ ऑर्डर किया, तो जिससे ऑर्डर कर रहे हैं उस वेंडर से आप चैटिंग कर सकते हैं, कैसे हो, क्या कर रहे हो। होता क्या है कि सेलर्स अक्सर लिखते हैं हमारी डिलीवरी टाइम है 15 दिन, लेकिन सेलर तो कराची में बैठे, आप सोचते होंगे 15 दिन के पैदल लाएगा, नहीं भाई वो 15 दिन का लीड टाइम पूरे मुल्क के लिए है, कि पतोकी में जाना है, खुशाब जाना है, तो वहां 15 दिन लगेंगे, मगर कराची का वेंडर हो सकता है आपको जल्दी दे दे, मगर सेटिंग तो बनाओ, बात तो करो वेंडर से, उसको बोलो यार भाई नहीं है दे दे, वो दे देगा। तो बताने का मकसद घूम फिर के मेरी हर बात का वहीं आएगा कि शॉपिंग ऑनलाइन करो यार, सही है। और ये मुझे दराज ने नहीं कहा, कहने के मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, तुम्हें तो पता है मैं स्पॉन्सर को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराता। तो अब जाहिर बात है अकेला नहीं करता रहूंगा प्रोग्राम, बोर हो जाता हूँ मैं, तो आज जो मैंने ऑर्डर किया है, देखो हमारे प्रोग्राम में सेलिब्रिटीज बुलाए नहीं जाते, ऑर्डर किए जाते, तो आज जो मैंने किया है ये वो एक्टर है जो कि महबूब कदमों में लाते, महबूब कदमों में लाते, ये रातों रात अमीर कर देने वाले दोस्त, रातों रात अपना कुछ बने ना बने दूसरे का हो जाए। मैं स्पेसिफिकेशंस पढ़ लू, बॉडी टाइप स्लिम आ रही है, डायमेंशन 80 केजी वजन है, और ब्लूटूथ वाईफाई डुअल सिम वगैरह सब मौजूद है, इनको मैं कार्ट में ऐड कर देता हूँ और फिर ऑर्डर कर देता हूँ दराज से, ठीक है। और अब देखते हैं कब तक आता है भाई। थैंक यू फुरकान, वेलकम टू हंसना मनाए विद ताबिश हाशमी। ठीक है फुरकान? हाँ जी बिल्कुल सही है। मैंने सुना आप आगे बैठ के आना चाह रहे थे टंकी पे, शौक तो आपको पता है मेरा वही है अभी भी, उसका नहीं लेकिन उसका नहीं। अच्छा फुरकान जी आ रहे, मासूम लग रहे हैं, अच्छी बातें करते हैं, चश्मा भी लगा होते हैं, कमजोर हो जाए आंखें कमजोर हो जाती हैं, ऐसा कुछ शोज ऐसे होते हो करके आगे कमजोर हो जाते हैं। स्पेशली लास्ट एपिसोड, शेर आ गया। अच्छा फुरकान, क्योंकि आप की मैं पहले भी कहानी पूरी सुन चुका हूँ, नीचे से स्टार्ट किया आपने, मतलब नीचे पीछे से स्टार्ट किया आपने, तो कैसा लगता है लंडे के कपड़ों से जी जी असली ब्रांड्स की तरफ आते हुए? यार अच्छा लगता है, और मेरा ख्याल है कि जब जाहिर है पैसे नहीं होते आपके पास, तो वो लंडे के कपड़े भी ब्रांड ही लगते हैं। ऑफ कोर्स इतने हैंडसम आदमी हैं, तो आपसे ये पूछना कि आप कमिटेड हैं नहीं है, मुझे फजूल लगता है। हाँ। ये फजूल खर्ची सवाल है, लेकिन कभी तो रही होंगी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं रही, मुझे पता है कि पिछला एक जमाना गुजरा है। जी जी, मैं अपने जमाने का एक बड़ा मेरा ख्याल खिलाड़ी होता था। खिलाड़ी? हाँ। कभी शॉपिंग करवाई एक्स मार्केट को? सवाल ही पहले कभी उस जमाने में, मैं ऑब्वियसली चूंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि दराज एक बड़ा जबरदस्त, ये कहना ही नहीं, ये मुंह से ना निकले, बता दूं दराज का तो कोई ताल्लुक ही नहीं इस बात से, लेकिन खैर इस तरह की काफी एप्लीकेशंस नहीं थी उस जमाने में जिसपे 70% ऑफ 80% ऑफ, तो आप कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो वो 1000 रुपए का है तो 200 रुपए का पड़ रहा है, इस तरह का नहीं था उस टाइम, इस तरह तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता था कि मैं किसी को गिफ्ट दूं। अरे यार, अच्छा उन्होंने कभी कोई फितरा ज़कात वगैरह लड़कियों को? चलो फुरकान तुम ये रखो रमजान के। हाँ, मैं बिलीव करता था इस चीज, क्योंकि रमजान है, मेरा अर्निंग सीजन था पुराने 10 साल पहले, अर्निंग सीजन बस वो मिस करता हूँ मैं, वो मिस करता हूँ, अब नहीं मिल रहा, अब नहीं मिलता, अब कैसे देगा कोई? आपको ऐसी बात भी तो नहीं कर रहे कि आपको रमजान ट्रांसमिशन मिले? आपको मिल गई सोचे, मुझे मिल सकता भाई, मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, मुझे डर लगने लगा कि रमजान ट्रांसमिशन ना देते मुझे, जब मुझे आवाज आई ना ताबिश और रमजान तो मुझे उल्टी आई। अच्छा वीना मलिक कल में चलेगा दराज से कुर्सियां मंगवाते हैं, हाँ। हैं और मेरा रूहानी ताल्लुक है दराज से। अच्छा, मुझे ऐप भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। आ जाओ, आ गई कुर्सी नीचे, आ गई ना? बिल्कुल 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 नीचे आई है। बिल्कुल नीचे फिट हो गया आप? हाँ, हाँ। अच्छा कैसा लगा फिर डिलीवर हो गए? अच्छा लगा दोबारा पैदा हो गए, ऐसा लग रहा है 4 जनवरी है आज। पर वालदा नजर नहीं आई। ये दराज की अच्छी बात, ये ममता से ही डिलीवर करते हैं, एहतियात से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है, नॉमौलूद पार्सल। बिल्कुल। अच्छा
जाहिर बात है आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं, एम्बैरेसिंग सीन जब इंशाल्लाह बोलो भाई ये वो वाला शो नहीं है कि किसी गेस्ट को बिठाया और उसकी दबा के बजा दी, ऐसा वो वाला शो नहीं है। अच्छा, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपसे बात करते हुए आप ऐसी बातें कर रहे हैं बड़ा अफसोस हो रहा है भाई, पैसों के लिए क्या क्या करता है। तो ये बताएं कि सेलिब्रिटी बनने से पहले तो एम्बैरेसिंग सीन याद भी नहीं होंगे क्योंकि वो तो लाइफ का एक हिस्सा था, ऑब्वियसली अब एहसास होता होगा अबे यार बहुत गंदी हो गई। तो अभी कोई लेट रिसेंटली कोई सीन हुआ शॉपिंग करने का, खट्टा हो खट्टे हो गए यार? हाँ, मतलब लोग जिंस जो चीज आपको खरीदनी होती है वो आपको नहीं पसंद था। हाँ। आसपास दुनिया आके तस्वीर खींच रही है, वो सामान निकाल रहा है अपना। हाँ। नहीं कौन है? अरे भाई तू तो कुछ तो होगा ना, मैं तस्वीर खींचा रहा है मेरे साथ, कोई उनको लगता है कोई टिकटॉक कर रहे एक तो टिकटॉकरों को यार मैं क्या करूं यार? कुछ करें टिकटॉकरों कुछ करें क्या करें? उन्होंने वो मशहूरियत का मतलब ही चेंज कर दिया क्योंकि उनके साथ भी 200 बंदा तस्वीर खींचा रहा है, मेरे साथ भी 200, तो मैंने क्या तीर मारा मुझे बताओ यार। मेरे ख्याल से अब आप वहां पे काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं मरते हैं मेरा दिल नहीं लग रहा। तो एम्बैरेस ये पहचानते नहीं है आपको? पहचानते नहीं है वो जो लोग जिनसे चीज खरीदनी है वो नहीं पहचानते, बाकी आसपास लोग पहचानते। बस में बैठे हैं आप? मैं भी बैठा हूं। किसी नीपा पे बस खड़ी होती है अब बहुत देर तक खड़ी रहती है, तो कोई एक अंकल को कॉमेडी सूझती है। हाँ हाँ भाई चल ले घर से लाएगा क्या? तो होता है ना कि भाई एक बंदे को स्टार्ट करना पड़ा, जैसे अंकल कहते हैं ना चलना करते लाएगा तो फिर सबको उंगली होती है चल रहा है सब शुरू हो जाते। अच्छा जब बेगम है ही नहीं आपकी? हाँ बेगम तो है आपकी यार, सॉरी मैं तो भूल ही गया, इतने अरसे बाद मिले ना आपको पता नहीं होता ना। अच्छा किस ट्रिप में क्या चल रहा है पता नहीं होता? नहीं है, मीडिया इंडस्ट्री में कुछ पता नहीं। नहीं नहीं मैं नहीं। एक दिन आए तो यार आपका भाई सिंगल नहीं है, अगले दिन आए तो यार बहुत सिंगल हूँ। तो मैं ये सवाल पूछते हुए एहतियात कर, अब मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता पता है मसला ये लेकिन बात सही है। भाभी के साथ शॉपिंग का क्या एक्सपीरियंस यार? आई पहले हम जाते थे शॉपिंग पे तो वो अगेन बड़ा बोरिंग आइडिया होता है कि आप शॉपिंग पे जा रहे हैं आप वेट कर रहे हैं। खवातीन को जनरली शौक होता है शॉपिंग का, हमें इतना नहीं होता मर्दों को तो। लेकिन अब अगेन इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस हैं इस तरह मतलब हाँ, तो उसमें आसानी हो जाती है ऑब्वियसली, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, बीट दिस और एनी अदर एप्लीकेशन, बट या इट बिकम्स इजी, तो हमें जाना नहीं पड़ता प्रोसेस से करना पड़ता। हाँ ये तो है। अच्छा जाके कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जहाँ पे वो खवातीन के अंदर जा सकती हैं पाकिस्तान में? हाँ। आप नहीं जा सकते? हालांकि दिल सबसे ज्यादा उन दुकानों में जाने का होता है। मैं तो चाहता हूँ नहीं जाऊँ। हाँ क्या आप रुको, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब वो इतना एम्बैरेसिंग हो जाता है कि बेगम अंदर गई, हमें नहीं पता अंदर क्या मिल रहा है, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। अब मैं अकेला बाहर खड़ा हूँ सीक्रेट के बोर्ड के नीचे, थैले पकड़ा हूँ और वो भी है कि विक्ट्री भी मिलेगी, विक्ट्री सीक्रेट विक्ट्री। तो अब बाहर खड़ा लोग आके देख भी रहे हैं आपको, क्या ये लड़का बाहर खड़ा है, हिम्मत नहीं हो रही अंदर, इतना तरसा हुआ लड़का है। जो के बात सच है लेकिन लेकिन पता नहीं चलना चाहिए, मैं थोड़ा हटके भी खड़ा हो सकता था लेकिन यार ये एम्बैरेसिंग सीन है। तो भाई अगर आप किसी को किसी सीक्रेट दुकान के बाहर खड़ा देखो जज नहीं करो यार, क्या पता उसका कौन अंदर गया, वो अंदर गया, सही बात। ऑनलाइन शॉपिंग से और क्या फायदे, जैसे कि हमसे बार्गेनिंग भी तो नहीं होती? तो नहीं, बार्गेनिंग अगेन वही ना, मैं आपको जैसे बता रहा था कि पहले मैं फिर भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे देता था, मेहनत कर लेता था, ठीक है, लेकिन अब वो प्रोसेस नहीं होता। आपको पता होता है कि एंड में कम हो जाएंगे पैसे, लेकिन फिर वो बहुत बोरिंग बहुत प्रोसेस लगता है। बातें करो उससे, दोस्ती करो, फिर वो बोले जी मेरी खाला ने आपको देखा था टीवी पे, फिर उसको अच्छा खाला बड़ी अच्छी है, फिर वीडियो कॉल से बातें भी करते हैं वो, जी हाँ ये कर लें, जी कैसे हो बेटा क्या है, तो 200 रुपए कम हो रहे इस पूरे 1.5 घंटे में आपने 200 रुपए जीते, तो लानत आपके ये तो, अच्छा यार दराज की खाला नहीं हुई। हाँ दराज की वो खाला नहीं है, सोचा ऐसा होता आप ऑर्डर कर रहे, पहले आ रहा है यार फुरकान भाई आप नजर आ रहे हो, कस्टमर सर्विस वाला कैमरा ऑन करके देख रहा है फुरकान भाई, भाई कटेंगे मतलब नहीं भाई सर आपके लिए कटेंगे भाई, आप अच्छे आदमी हो यार माशाल्लाह, नीचे से ऊपर आए हो टॉप पे आए हो, कहते हैं भाई देखते हैं आपको। ऐप इस्तेमाल किए कभी? हाँ बहुत। सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या यार? पता है मैं ऑनेस्ट, ये लगेगा मैं कि मैं चूंकि शो पे आया और मुझे इसके पैसे नहीं, नहीं, नहीं अब ये तो है ही, जो भी हाँ ये तो है सच है तो, लेकिन मेरे साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। होता है ना जनरली कि ऑर्डर ये किया था भाई दूसरा आ गया यार, अंडे किए थे टमाटर आ गए, अंडे की चूजे आ गया, तो वो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, जो ऑर्डर किया वो ही मिला, उसने आराम दिया, काफी मजा आया। अच्छा पोस्ट परचेज सिंड्रोम होता है आपको, वो जो होता है ना खरीद लिया भाई ये क्यों खरीद लिया मैंने, महंगी चीज खरीद के होता है ना गरीब आदमी यार, वो जब होता है जब आप महंगी चीज खरीदो गाड़ी खरीद 400 रुपए से ऊपर बजट ना जाए तो
अच्छा मिडिल क्लास आदमी मेरे जैसा, चलो आपको शामिल करे तो अपन दोनों तो भाई। थैंक यू। मुझे वैसे भी डाउन टू अर्थ होने का बड़ा आजकल शौक, मुझे पता भी आपका। आपको तो पता है मैं कितना डाउन डाउन, आप बहुत डाउन रहते हो। टू अर्थ। तो आज घुटने नहीं फटे हुए आपके? नहीं आज सिले में। बहुत दिनों से कोई बड़ा काम भी तो नहीं मिला। ये देखे ये क्या कर रहे हैं फिर आप ले आए उसको। ये डीप बात थी। अच्छा फरकान बातें करते रहेंगे हम। हाँ। बैक स्टेज भी करते रहेंगे ऐसा कि आप कहाँ जा रहे हो यार, कौन सा आपको थाईलैंड वाली फिल्म मिल रही है। बात करते रहेंगे हम लोग। अच्छा तो गेम्स भी खेलेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं पड़े रहेंगे, गेम्स खेलेंगे ताकि थोड़ा एक्टिव रहे। तो जो पहला गेम है उसका नाम है दाम लगाओ। दम लगाओ, दाम दाम दाम। मुझे पता था आप यहाँ तक आओगे। ये देखो ना मिलेगा। ये लोग को देख रहे हैं जो स्क्रीन के बाहर है। कौन? ये हमीद अंकल। हमीद अंकल शर्ट तो पहन के देखा करें। यहाँ हमीद अंकल यहाँ देख रहे हैं। हमीद अंकल शर्ट पहन लो यार, शर्ट पहन लो, बुरा लगता है। हमीद अंकल ये हॉट वैसे। Is he your friend? He's nice. अभी इफ्तारी करके बैठे, खट्टी डकारे ले रहे हैं वो। यूं पड़े हैं, हाँ भाई। मोबाइल लग के, अच्छा गलती से क्लिक हो गया अंकल से। अच्छा देखने कुछ और बैठे थे। आपने देखा बुढ़े अंकल टीवी पे वीडियो कैसे देखते हैं? चश्मा पहना हुआ है और कुछ मोमेंट ऐसे आते हैं जिसमें पहन लेते हैं। हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था। हमीदा ये इनके पास मतलब। अच्छा अच्छा गेम में दाम लगाओ। कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगा, उनकी ओरिजिनल मार्केट प्राइस बताऊंगा, आपने गेस करना है दराज पे कितने की मिलती है। ठीक है ठीक है। और आपकी कीमत ऊपर जाएगी तो मैं भी ऊपर जाऊंगा। सही है। अगर कीमत नीचे जाएगी तो हम भी नीचे चले जाएंगे। सही। पाताल में चले जाएंगे। ठीक है सही है। डॉलिंस माइक्रोवेव ओवन मार्केट प्राइस है 20,800। दराज पे कितने की? यार दराज से कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। कोई कुछ ये भी हो सकता है कि 3,400 फ्लैश डी। 3,400 का माइक्रोवेव? हाँ भाई इसमें दरवाजा नहीं आ रहा, माइक्रोवेव माइक्रो आ रहा है। मैं मान जाता हूँ 3,000 रुपए बैठे। एक्टिंग 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 पर डे पर डे पर डे। वाह यार काफी पैसे हैं। देखे पर डे तो अलग है, पर अलग अलग डील है ये तो पहले सुनी नहीं। पर डे पर डे होता है ना भाई। अच्छा तो कितने का होगा यार? कितना आपने कहे? मैंने कहा 20,800। 18-18 अक्सर आपके लतीफे वहां से निकाल। अच्छा और डंडे तो नहीं तो हंस रहे सारे यार, इनको तो पैसे पैसे मिले। अच्छा इनको भी दिए आप लोग? कोई चीज ऐसी नहीं पैसों के बगैर आ रही है। अच्छा। ये लाफ्टर ही पैसों से खरीद रहा हूं। एक ही चीज है बस, दराज पे डिस्काउंट। वही सस्ते यार, बहुत अच्छी इंटीग्रेशन हो रही है। सटल पता भी नहीं चल रहा, किसी को पता नहीं चल रहा। ओरिएंट टॉप माउंट रेफ्रिजरेटर दराज पे, इसकी स्टैंडर्ड कीमत है इसकी मार्केट में 46,500। दराज पे क्या होगा? 43-44। नहीं तो बहुत बहुत अंडर एस्टिमेट कर गया। 40,000 हो सकता है। नहीं नहीं भाई भगवान वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो आप। बड़ी डील पकड़ो आप यार, इससे आसपास ही होगा, 40s में ही होगा दोस्त। मैं बोलू नहीं है, 40s में भी नहीं है, लेट 30s में भी नहीं है। उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो फिर दे दो, मैं खरीद लेता हूँ उनसे। अभी दे दो। मैं 35,000 रुपए का फ्रिज दे रहा हूँ। वाकई में है 35,000 रुपए का? 35,000 यार, मैं तो जब से ये शो कर रहा हूँ परेशान हूँ। क्या ऑफ है? 70-60% जो भी 50% ये 11,000 के करीब चीजें ऑफ है यार। 11,000 रुपए ऑफ है इसके ऊपर। 11,000 में आप 11,000 में क्या क्या नहीं आ जाता? क्या क्या नहीं आता? क्या नहीं आ जाता? बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आप मैंने कुछ फिर आपका क्या भाई महीने का राशन आ जाता है। हाँ, बिजली का बिल पे हो जाता है। बिजली का बिल पे हो, लेकिन बिजली का बिल आप दराज से पे करो 10% डिस्काउंट। क्या बातें कर रहे हैं यार, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। ये पता है काम चोरी सिखा रहे हैं। ये काम चोरी काम नहीं करो भाई, निकलो ही नहीं। ये क्या बात है यार। अच्छा जी तो अब चूंकि मैंने दो चीजें गेस की हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक चीज गेस करें। डॉलिंस का वाटर डिस्पेंसर अगर 29,500 का है तो दराज पे कितने का होगा? आप तसव्वुर भी नहीं कर। यार मुझे शक है, मैं कम बता दूंगा तो बेइज्जती हो जाती है। अकेले अब इतनी भी नहीं हो रही। ना आपकी ना मेरी। 29,500। हां 21। ये देखिए फिर वही किया आपने। कम कर दिया। कम कर दिया। अब इतने भी अच्छे नहीं है यार, उनको भी तो कमाना है। हां ये भी दुकान खोल के बैठे हैं भाई। जाहिर है। अच्छा ये होगा 23,800 का। 23,999। हां करीब है, करीब हूं। 24,500। हां चले आगे बैठिए। 24,890।
वेरी गुड। 18 गेसों के बाद तो मैं भी तो कमार लेता बड़ा अच्छा खेला आपने। बहुत अच्छा खेला। इससे मुझे याद आया भाईजान जी, भाई थोड़ा स्वैग थोड़ा सा फ्लेक्स कर लूं। फ्लेक्स, आपके नाम के कितने प्रोमो निकले आज तक? कद्दू एक भी नहीं निकला। लेकिन मैं जरा फ्लेक्स कर लूं, मेरे नाम का प्रोमो कोड है दराज पे। क्या मिलता है उसमें? आप इधर मुंह करो। नहीं नहीं, मैं प्रोमो आपका प्रोमो कोड निकला है ना, तो आपको इंप्रेस कर रहा हूं। हां सुनिए फुरकानी, रोमांटिक शो नहीं है, नहीं इधर मुंह कर लो। क्यों रोमांटिक? मैं पीछे पड़ गया रोमांटिक? कैसी गलती सोचा? अरे रोमांटिक मूवीज में होता है ना, हीरोइन नाराज हो जाती है। नहीं वो नहीं, वो नहीं था आपका, आपका मकसद वो नहीं था मेरे भाई। अब ऐसा है, शो आप देख रहे हो, बिल्कुल ये आएगा दराज की एक्ट, बिल्कुल ये कहीं और नहीं आएगा। बिल्कुल सही। कुछ कंटेंट होता है स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे आते हैं, बिल्कुल ऐसे। आपने मेरा शो देखा जी, अब आप देख रहे हो यार, अब क्या देखें? स्क्रॉल अप करो। स्क्रॉल अप किया, ताबिश 15 प्रोमो कोड डाला, फ्लैट डिस्काउंट दराज। और भाईजान ये 5-10% नहीं है फुरकान भाई, 5-10% नहीं है, 15% 15% डिस्काउंट है। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा मेरे नाम का प्रोमो यार। 15% ऑफ कर दिया आपके नाम पे यार। मैं उसका स्क्रीन दराज वालों, मुझे मतलब अगर 100 रुपए की चीज ले तो 15 रुपए डिस्काउंट मिलता है आपके नाम पे। काफी नाम किया आपने। 3-7 अप छाली आ सकते, 3-7 5 रुपए की, 5 रुपए 1 रुपए की 8 आती थी, आप 15 रुपए की 3 आती है यार। लेकिन क्या बात, लेकिन 1 रुपए में अभी भी बहुत बड़ी चीजें आ रही हैं। जैसे कि पहले फोकस हो गए ऊपर गए। अरे 1 रुपए गेम ये क्या है भाई? 1 रुपए गेम ये है कि 1 रुपए का गेम खेला, आईफोन फ्री। काश दराज मेरे अब्बू होते, काश मेरा नाम होता फुरकान दराज। फुरकान दराज गेम 2, ठीक है। और इस गेम का नाम है सोच के बोलो। इसमें होगा ये कि मैं वो जो 3 वो पड़े बोल्स पड़े जो भी हैं, तछले जो भी कहते हैं, क्रिस्टल बोल्स, इनके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, होम एंड लिविंग, ग्रोसरी और फैशन। इनमें से जाके मैं पर्ची उठाऊंगा, पर्ची उठाने के बाद उसमें एक आइटम होगा और फिर मैं आके आपको उस आइटम को गेस करने के लिए 10 सवाल मुझसे पूछ सकते। सही है, 10 सवालों के अंदर आपने वो गैस करना, ठीक है। तो मैं पर्ची उठाने जा रहा हूँ और वहां से बाकी बातें करूँ। सही है, ठीक। तो कौन सी उठा लूँ, क्या उठाऊँ यार? आई थिंक आप उठाएं ग्रोसरी। ग्रोसरी उठा लूँ। कोई फेवरेट कलर? पिंक। पिंक तो नहीं है, इसको रेड को धूप में रख के थोड़ा हल्का कर लेंगे। मैं आ रहा हूँ, मैं कुर्सी की तरफ बढ़ रहा हूँ। जाहिर है आपके प्रोमो कोड में 15% ऑफ, 15% ऑफ है। मैं तो चौड़े में चल रहा हूँ, चमाटा मार दो लोगों को। किसमें चल रहा? सफाई की चीज है, किसी भी किस्म की सफाई, क्या मतलब? इंसानी सफाई, चीजों की सफाई, टेबल को साफ करना, दांत साफ करना, किसी भी सफाई? नहीं, सफाई की, सफाई की कोई चीज। खाने की चीज है, खाने का लिक्विड है या सॉलिड है? तो ये सॉलिड है। सॉलिड है। अच्छा ये फ्राई होता है? ये ऐसा है, फ्रोजन है ये? सॉरी नहीं नहीं, फ्रोजन नहीं, फ्रोजन फूड नहीं है। नहीं फ्रोजन नहीं है। हिंट दे दूं? ऐसे करें। हाँ हिंट दे, हिंट दे दूं। हाँ यार होता है ना कि यार कोई आप मुश्किल काम बॉस ने बताया हो और आपने ओवर स्मार्ट, सर मैं कर दूंगा। हाँ हाँ फिर लोग बोले यार तूने बहुत बड़ा ले लिया। Are you talking about बंबू? बंबू तो होता है जब बॉस किसी काम में भंड हो जाए तो बंबू देते हैं। कद्दू, लोगी। कद्दू तो ऐसा होता है कोई सब्जी है, ये सब्जी है, सब्जी है। आलू। आलू। तो अब आप एक काम करेंगे फरकान, मैं थक गया हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है, आप एक मुझसे भी गैस करवा, मैं करवा, मुझे भी लगे मैं कुछ हूँ भाई। अच्छा जी बताइए ताबिश भाई, मुझे आप होम एंड लिविंग कर दें, अब आपको सरप्राइज लगेगा पर्ची खोल के। क्यों लानत तो नहीं बनी हुई? आप देखो, आप नहीं कर सकते, जाके बैठ जाए उस पर लिखा होगा चल भाई अपना काम कर। यार उसके अंदर एक मरावा कौवा था, हमने उसको, ये सब कौवे दफन हुए, कौवा निकल गया। अरे वाह, ये घर के किस हिस्से में इस्तेमाल होता है? कहीं भी रख सकते हैं इसको, आउटडोर या इंडोर? दोनों जगह। दोनों जगह, बस 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 बस। तो मुकद्दस चीज है? ना ना, दो सवाल। अच्छा ये बिजली से चलती है? जी बिजली। क्या ये प्लग इन होती है? अच्छा नहीं है, सॉरी मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, बिजली से भी चलती है और पानी से, मैनुअली भी चल सकती है। बैटरी लगती है इसमें? नहीं, इसमें कुछ वेटनेस का रिलेशन है, कुछ गीला वीला, कुछ ऐसा फ्लो पानी? नहीं 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 भाई, गीला वीला डिस्पेंसर नहीं है, डिस्पेंसर।
ये ज्यादातर जो है वो पुरानी फिल्मों में अम्माएं ये काम इसको इस्तेमाल करती थी। माँ मैं मैट्रिक में पास हो गया, तो सवाल खो गया, देखो मेरा 8 सवाल हो गया। अच्छा ये गिन रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे खड़े होकर अक्सर लोग डर जाते हैं, डर डर के नर्वस खड़े होते हैं। वेइंग मशीन नहीं, 9 सवाल कहीं भी रख सकते हो, मगर खाने से रिलेटेड चीजें, इससे कुछ खाने की या पीने की चीज निकलती है नहीं? और 10 सवाल और आप हार गए। 10 सवाल नहीं, आपने पूछा था खाने। हाँ जो गैस कर दो, पहुंच गया भाई आपका। हाँ बैठूंगा और जवाब दे दूंगा, बैठूंगा और स्वैग के साथ जवाब दे दूंगा। ये वो चीजें, इस पर तौलिया भी सुखाई जाती है। ट्रेडमिल जीत गया, मैं जीत गई। तालियां ताबिश के लिए। अगला गेम की तरफ बढ़ रहा हूँ, कहानी में ट्विस्ट। ठीक है अब हो गई इम्प्रोव गेम, इसमें आपने खेला है। जी जी, मतलब वैसे प्रोफेशनली नहीं किया लेकिन मजाक मस्ती। अच्छा अब ये है कि अरेंज मैरिज की सिचुएशन, ठीक है, और उसमें निकाह के बाद पहली बार दूल्हा दुल्हन का घूंघट उठा रहा है। पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे अम्मी अब्बू ने। बेबी रमजान शो नहीं होता ना अगर अगर ये रमजान शो ना होता तो मैं भी ना होती। अरे आमिर कुछ भी ना होता। अरे आमिर लियाकत, मैंने क्या कर दिया? आओ आओ आओ, तुम तो आमिर लिखी। आओ खान, चलो चलो, वैसे ही तो मुझे पसंद थे। मेरे अलावा आम खाएगा? कैसी लगी है? नहीं लगी अच्छी? नहीं लगी अच्छी? तुम्हारा मुंह कसम से वो लग रहा है भाई। लास्ट गेम, लेकिन इससे पहले एक चीज बता दूं। जी, तराज की ऐप खोली, मेरा शो देखा, और फिर उसमें एक चीज है शेक शेक। सही है, शेक शेक इंस्टेंट गिफ्ट। अच्छा, हिलाएंगे टिंग टिंग पिंग की आवाज आएगी, पिंग गिफ्ट। शुक्र है किसी ने एहसास किया हमारा फाइनली, कि यार कुछ कुछ दे दो, कुछ दे दो। इस गेम का नाम है बोलती बात। अच्छा इसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि आपने पहले तो कैरेक्टर गेस करना है और फिर वो कैरेक्टर ऑर्डर क्या कर रहा है वो गेस करना है। ठीक है मैकेनिक गुस्के से मैं का पैनल ले। अच्छा छोटे पानी 8 मिनट। अच्छा मैकेनिक ऑर्डर क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है दराज है, कार्ड्स, एटीएम, प्रिंटर। प्रिंटर ऑर्डर कर रहा है। अरे वाह वाह वाह, प्रिंटर में आवाज लगा जी दम हूं ना मैं तो। फुरकान, लेकिन ऐसा है ये वो शो नहीं है। जी ये वो शो नहीं जिसका आप सोच रहे हैं। ये आपने सबको बोल बोल के ना किया वही किया। नहीं अच्छा आपके साथ तो भाई वाली बात है, एंजॉय कर रहे थे बिल्कुल। लेकिन अब ये है कि अब आप एक चीज तो मैं भूल ही गया बताना आपको यार। अच्छा आप आए हो तो कुछ फायदा लेके गए बिल्कुल। अब आप मेरा शो फिर देख रहे हो, दराज किया है, देखे जा रहे हो यार, काबिश कितना अच्छा कर, काश मैं भी ऐसा। तो आप फिर शो खत्म हो गया। अरे इतनी जल्दी खत्म हो गया? ओहो क्या करूं क्या करूं। फिर आप ऊपर स्क्रॉल अप करते रहो, मिस्ट्री बॉक्स, ₹999 का मिस्ट्री बॉक्स है, आपने वो खरीद लिया। जितनी बार आप खरीदेंगे वो उसमें से हमेशा 999 से ऊपर का गिफ्ट। तो मैंने आपको आज क्या क्या सिखाया? हिलाना, फिर आपने प्रोमो लगा दी, ताबिश लगा दी बिल्कुल, उसने 15% डिस्काउंट लूटा बिल्कुल, फिर आपने 999 का मिस्ट्री बॉक्स खरीदा बिल्कुल, लूट लिया आपने दराज को बिल्कुल। और फिर एक चीज तो भूल ही गया मैं, एक रुपया जो बचा हुआ था आपके पास जिससे आप खेल रहे थे अक्सर, आपने कान में भी लगाया वो कंडक्टर की तरह। जी जी, वो एक रुपया क्या करेंगे उसका? उससे आईफोन मिल रहा था, आईफोन 1 रुपी गेम आपके साथ। सब समझ में आ गया आपकी, सारी इंटीग्रेशन होगी, सारी चीजें मैंने बता दी, कोई चीज नहीं छोड़ी बिल्कुल, आपको भी खाली हाथ नहीं छोड़ी। अब ये देखो फुरकान, दूसरे होते ना यू करके ला रहे होते ब्रांड दिखाते हुए, मेरा नहीं ऐसा, नहीं ऐसा, मैं ऐसे आऊंगा कैजुअल कैजुअल, कोई नहीं देख रहा ब्रांडिंग। ये दराज से आया है क्या? पता चल गया। नजर आ गया। सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो।